उनकी एज बहुत कम है लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी है। वो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सौरभ जोशी। कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? हाय गाइस। कैसे हो सब? सभी ब्लॉग में आ रहे हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में मैंने इनके काफी सारे ब्लॉग्स देखे, तो मैंने इनकी कुछ कमाल की क्वालिटीज ऑब्जर्व करी है। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी टीम भी कह रही है कि जैसे ये कैमरे के आगे दिखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हम्बल, उससे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ ये कैमरे के पीछे है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सौरभ आपकी, और मैं बस इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही रहना। अभी तो शुरुआत है, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे अगर ऐसे ही रहे तो। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इतने बड़े स्टेज पे मुझे बुलाने के लिए, अपने सामने बिठाने के लिए। थैंक यू तो बहुत कम है, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपकी फैमिली भी है यहाँ पर, आई थिंक। कहाँ पर बैठे हुए हैं? ये रहे, हाँ, आपके मदर फादर। नमस्कार जी। एक बार आप लोग यहाँ पे आएंगे स्टेज पे, इनके लिए एक जोरदार तालियां इन सबके लिए, प्लीज आइए। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो पीयूष? अरे अरे मेरे भाई, गले मिलो। मुझे ये लगता है, आप बताना कि मेरे को ठीक लगता है या नहीं, कि ये आपके अकेले का चैनल नहीं है, आपकी पूरी फैमिली का चैनल है। और ये फैमिली मिल करके ये जो कर रही है, ये कमाल है। मतलब इंडिया में बहुत रेयर ऐसी फैमिलीज होती है, शायद इसी वजह से लोग इतने अच्छे से इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, हाँ। अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं नहीं होता। बिकॉज एक बच्चे की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है, माता पिता होते हैं, उनका पालन पोषण किस तरह का है। अगर वो ही सही नहीं होते तो मैं भी किसी गलत राह पे चला जाता। उन्होंने अच्छे स्टार्टिंग से मुझे अच्छे संस्कार दिए, किस तरह से रहना है, किस तरह से हम्बल रहना है, वो भी उस तरह के हैं, तभी मैं वैसा हूँ। बहुत बढ़िया। आप लोग सभी बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। मेरे दिल से दुआ है आपके पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो सौरभ, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इतने कम टाइम में ये जो आपने सक्सेस अचीव करी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर एक रीजन की बात करनी हो तो एक सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो आप हो सर। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं ऐसा था, इतना शाय टाइप का था, मैं किसी से बात नहीं करता था। मेरे घर में कोई आया तो मैं भाग जा रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिलता था और किसी से बात नहीं कर पाता, अच्छे से फोन पर बात नहीं कर पाता था मैं। लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो आपकी बातें ना क्लिक कर जाती है एकदम से। तो तब से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया ना, मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई आपकी आपकी वजह से। तो हाँ, सबसे बड़ा हाथ मुझे आपका लगता है। अब बताइए, आप में से कौन है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड मुझे सौरभ सर से यही क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है पूरा, बट इंडियन फैमिलीज ऐसी नहीं होती, कुछ कंजर्वेटिव टाइप होती हैं जो ऐसा हमें नहीं करने देती, गर्ल्स को स्पेशली नहीं करने देती, तो हम इसमें क्या करें? फैमिली ही सपोर्ट करती है मेरे ख्याल से, तो और तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फैमिली ही है जो हमारी एक्चुअल में केयर करती है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, बस आपको समझना है उनको। लाइक मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ आने से पहले मम्मी ने मुझसे 3-4 बार पूछा है, वहाँ कोई तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वहाँ इतनी ऑडियंस बैठी होगी तेरे ऊपर आ जाएं। मम्मी सीरियसली मम्मी ने मुझसे पूछा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर इनके ऊपर कोई आए तो मैं आगे खड़ा हो जाऊँगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो फैमिली तो प्रोटेक्ट करती है, फैमिली केयर करती है एक्चुअल में, इसीलिए फैमिली बोलती है। लेकिन अगर आप समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे। और आप ये सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे तो दुनिया में आप किसको समझाओगे? Yes. जैसे आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है और आप शार्क टैंक में पहुंच जाते हो, वहां पे देखा है क्या हाल करते हैं लोगों का। Yes, हाँ, सोचो वहां चले जाओगे, उनको कन्विंस कर लोगे, अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो। Yes. तो पहले जो भी आप करना चाहते हो, शुरुआत घर से होती है। Yes. अपने पेरेंट्स को समझो, उनको समझाओ, उनको अपने साथ लेकर के चलो, उनके साथ चलो। Yes. तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
जैसे इनकी फैमिली इनके साथ में है तो इनको कोई डर नहीं है, कुछ भी हो जाए फैमिली बैठी है हाँ. संभालने के लिए, मदर है फादर है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. यू गॉट द आंसर, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. सर जैसे आपका सर ब्लॉगिंग का चैनल है सर, तो सर मेरा भी एक झा क्लासेस करके एजुकेशनल चैनल था सर, बट सर रिलेटिव्स और बाहर के लोगों सर मेरे को सर ताने देते थे कि तू क्या कर रहा है, तो सर इस चीज़ को कैसे फेस करें सर कि बाहर के लोगों के मतलब बात का असर ना हो. सर सर के सेशन देखो, सर ने क्या समझाया अच्छे से. एक काम करो, मैं आइडिया देता हूँ. YouTube पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है जबकि वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो झूठ है. वो उन्होंने बनाई है इनकी अर्निंग्स के ऊपर कि महीने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं. वो दिखाओ, आपके पेरेंट्स हो सकता है देख करके उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आए. अच्छा जी, ये सही है सर, ये आइडिया सही है, सही लगा ना. यस सर, ये करो. ठीक है, उनको नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है. वैसे सच अगर बताऊं तो सच में ये बहुत कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे हैं. जितना ज्यादातर लोग एक साल में कमाने का सोचते हैं इनकी एज में, जो उनका ड्रीम होता है, yes, उससे ज्यादा ये एक महीने में कमा रहे हैं. मैंने ना वैसे आप लोगों के ब्लॉग देखे, मैंने देखा ब्लॉगिंग के लिए 2 वर्ड्स हैं जो आपको सीखने हैं, एक है गाइस, एक है भाई. मतलब हर वीडियो में कम से कम 20 बार ये वर्ड्स यूज होते हैं. गाइज, सुबह के 6 बजे मैं तो उठ गया हूँ, लेकिन पीयूष नहीं उठा है, साहिल नहीं उठा है, राइट? हाँ, उसके बाद में भाई, ओ भाई ये क्या खा लिया, ओ भाई निकल रही है, ओ भाई पॉटी हो रही है, ओ भाई पॉटी हो रही है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने ऊपर पहुंच चुके हो, इतने मिलियंस ने सब्सक्राइबर्स है, इतने व्यूज आते हैं, लेकिन जो आपको देख के जो आप बंदे जो क्या करते हैं कि चैनल्स बना रहे हैं आपको देख के या इन्हें देख के, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? कभी ऐसा माइंड में आया है कि अरे भाई ये बना रहा है इससे टक्कर हो जाएगा आगे चल के? ऐसा तो नहीं होता कि भाई इसे नहीं बढ़ने देना, ऐसा कभी आपके माइंड में आया है क्या? आपको ना सुन करके मेरे को अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है. मेरे को मतलब इनकी बातें सुन करके और इनको देख करके मेरे को डर लग रहा है, कहीं ये कल को मेरे से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ना बन जाए, फिर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इधर चले जाएं. नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता. ये यहाँ पर स्टेज पे आ जाए, मेरे को वहाँ बिठा दे, मेरे को डर लग रहा है ये सब सुन करके. तो मेरे को मत डराओ प्लीज आप. कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि मजाक हो रहा है. टिप्स तो एक ही है, कुछ डिफरेंट करो. लाइक मेरे केस में मैंने बिल्कुल रियल लाइफ दिखाई अपनी, जो थी और अभी जो है वो दिखा रहा हूँ. लाइफ मेरी चेंज हो गई है, काफी लोगों ने तू चेंज हो गया, तो पहले ऐसे नहीं, वो चेंज हुई है तो वो तो दिखाऊंगा ही ना मैं, तो जो रियल है वो दिखाता हूँ. तो आपको भी कुछ डिफरेंट दिखाना. मेरे को देख के काफी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, तो वो मेरी तरह सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं. उस तरह से मत करो, कुछ डिफरेंट करो. यानी कि जैसे आप हो, जो हो वैसे दिखाओ, इनके जैसा या मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करो. जैसे आज अगर मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. जैसे एक पंछी है और एक मछली है, तो पहले आपको समझना है आप क्या हो, उसके हिसाब से एक्ट करो, और पब्लिक को तभी कुछ नया देखने को मिलेगा. मतलब जो आप हो एक्चुअल में वो ही नया है, जो आप इनकी तरह बनना चाहते हो वो नया नहीं है, वो तो पुराना है, वो तो हो चुका है, वो तो हो ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से. और जो आपका सवाल था कि भाई बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा क्यों लगेगा, इन्होंने कोलैब किया फ्लाइंग बीस्ट के साथ में, ट्रिगर्ड इंसान के साथ में, आज ये मेरे साथ में है, तो उससे क्या हो रहा है? क्या मुझे ये डर लग रहा है कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, पीछे निकल जाएगा? आगे पीछे क्या होता है, मिल करके ग्रो करेंगे ना. आप समझ रहे हो कि अगर आप कल को ब्लॉगिंग करते हो और आप अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपका अपना एक यूनिक स्टाइल है और आप ग्रो कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप लोग मिल करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो. तो मिल करके आगे बढ़ने के बारे में सोचो. गुड मॉर्निंग संदीप सर, गुड मॉर्निंग सौरभ भाई. तो मेरा क्वेश्चन ये था सौरभ भाई आपसे कि आप ऐसे बाल रखते हो, कभी आपको अंकल या आंटी ने कुछ बोला नहीं है ऐसे बालों के ऊपर? क्योंकि हम अगर ऐसे बाल घर में रखे ना तो पापा पता नहीं कौन कौन से जानवर का एग्जांपल दे देंगे. चप्पल अलग. मेरे साथ भी होता था पहले से. होता था हाँ. अब नहीं होता. नहीं अब नहीं होता. अंकल आंटी कभी नहीं अब बोलते. तो पहचान बन गया मेरा, बाल और चश्मा. और सर मेरा दूसरा सवाल ये है, फ्यूचर में मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई सौरभ जोशी भाई के पास थार है और इनोवा क्रिस्टा है. सवाल आपसे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? आई थिंक सर आई थिंक आपके पास इवोक है. मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं,
बहुत सारी मैंने ना कुछ ब्लॉगर्स की वीडियो देखी, नहीं इनकी नहीं, मतलब कुछ ब्लॉगर्स की वीडियो देखी जहाँ पे वो भाड़े की गाड़ी लेकर के आते हैं दिखाते हैं, मेरे को ये आइडिया बढ़िया है व्यूज के लिए, तो कुछ ऐसा ही करता हो, तो गाड़ी भाड़े की थी। एक और सवाल है मेरा सौरभ भाई के लिए कि भाई आपका नाम सौरभ जोशी है, आपके पास इतना डेली जोश आता कहाँ से कि आप डेली कैमरा पकड़ के निकल, डेली कैमरा, आपके हाथ में नहीं दर्द होता? गोल बड़ा है ना तो चैन से बैठ ही नहीं पाता मैं। बाहर से आपको जो दिखता है वो सिर्फ ये दिखता है कि जो इनकी सक्सेस है, इनके सब्सक्राइबर्स है, इनके व्यूज है, लेकिन अंदर जो इनके चल रहा है ना वो सिर्फ यही जानते हैं, और बिना अंदर वो जो आग है उसके इतना आगे आप आ ही नहीं सकते, इनके अंदर आग लगी हुई है वो सिर्फ ये जानते हैं, बिना उसके इतना आगे कैसे आ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो आग अलग अलग तरीके से बाहर आती है, जैसे मेरे सेशन में तो मैं थोड़ा चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आसान है ये वो करता हूँ, ये थोड़ा गाइस भाई ओ भाई 24 घंटे तक इस गाड़ी में रहना है भाई, मैं यार क्या करूँगा, कैसे टॉयलेट रुकूंगा, मेरे से नहीं रुक रही यार, सुबह हो गई है, मैं तो हार गया चैलेंज यार, मैंने देखी वाली आपकी वीडियो। सच में आप लोग 24 घंटे तक गाड़ी में रहे थे? हाँ जी, ले गए थे, कम्बल भी ले गए थे, और मैं 2-3 बार देखने गई, चाय दी मैंने, खाना दिया उसी में, तो देखने गई तो सोए थे आराम से, और फिर सुबह जल्दी उठ भी गए थे, 3 बजे उठ गया था ये, उसमें से कितना सोया पता नहीं। हाँ मैंने देखा, सबसे पहले आप उठे थे। हाँ जी, उसके बाद में आई थिंक साहिल की बारी थी। हाँ। है ना, आपको भी सुसु आ गया था, साहिल को भी आ गया था लेकिन पीयूष को नहीं आया। पीयूष को नहीं आया। पीयूष क्या कमाल है भाई साहब, क्या खाते हो आप, और मैंने देखा सबसे ज्यादा खा पी यही रहे थे उस वीडियो में, खा पी भी यही रहा था, मतलब नॉन स्टॉप आप वहाँ नैनीताल गए थे, वहाँ पे रस्ते में भी खा पी रहे हो और ये वो, तो पीयूष भाई आप क्या करते हो, मुझे भी कोई नुस्खा बताओ। कुछ नहीं, बस आई नहीं बस। सरदा ने कहा था ना, जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा, फिर बाद में नहीं दिया कुछ। कुछ दिया भी नहीं। मतलब इन्होंने कहा था कि अगर आप जीते तो कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं मिला। नहीं, चलो एक काम करते हैं, आज यहाँ पर एंड में एक सरप्राइज है। ओके। इस सेशन के एंड में ठीक है, उसमें एक बॉक्स होगा, तो वो गिफ्ट आपका होगा, उसकी अनबॉक्सिंग आप करोगे। ओके। अगर आप लोग जानना चाहते हो उस गिफ्ट में क्या है, तो आप लोग इनके चैनल पे जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे, वो जो 24 आवर चैलेंज आपने जीता था उसके लिए वो गिफ्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, डन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और बहुत ज्यादा बॉटम, बहुत ज्यादा दिल से प्यार है आपको, बहुत फॉलो कर रहा आपको, मतलब जिस आपको देख देख के इतना नजरिया बदला है, कोने में बैठे रहना रूम के, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बट अभी ये है कि आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। और सर का एक बहुत ज़्यादा लाइन रहती है कि हर सेशंस में ही रहती है कि 99.9% लोग अपनी लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते कि बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और ऐसे वाला लाइन आपने सुना होगा, तो मुझे एक इसके बारे में आपसे भी जानना है और आपसे भी जानना है। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने आर्ट से स्टार्ट किया था, और मेरे को ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और बहुत नेक्स्ट लेवल करना है, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आर्ट तो सभी कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको YouTube पे लाया, बिकॉज YouTube पे कोई नहीं सिखा रहा था उस टाइम पे, तो मैं YouTube पे लाया, और उसके बाद फिर डिफरेंट तरह से समझा, ऑडियंस को समझा मैंने कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और जो ऑडियंस को चाहिए था मैंने उस तरह से वीडियोज़ बनाई और लोगों को पसंद आई, और फिर मैं मेरा चैनल इंडिया में आर्ट में भी मेरा नंबर वन पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद फिर व्लॉगिंग स्टार्ट हुई, व्लॉगिंग में मैंने सोचा कि व्लॉगिंग में भी मैंने सोच लिया था कि हाँ नेक्स्ट लेवल करना है कुछ, और इस तरह से ग्रो करते करते सर को फॉलो करते करते कि हाँ रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। yes, और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, उनको कि हाँ उनकी लाइफ दिखानी है, हम भी मिडिल क्लास, बिल्कुल हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थे, तो मैंने कहा यही दिखाना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वही क्लिक कर गई और लोगों को बहुत पसंद आई, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ये चाहते तो बहुत छोटा भी सोच सकते थे। वो क्या कि मैंने BFA किया, आई थिंक आपने BFA किया होगा। हाँ, BFA किया, उसके बाद में अब मुझे बस ये करना है वो करना है, जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं वही करना है, लेकिन इन्होंने सबसे हट करके कुछ किया। क्या किया, अपनी जो आर्ट है उसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर एक एक करके अपलोड करने लग गए। फिर उसके बाद में मैंने आपकी स्टोरी देखी है,
तो एक पॉइंट ऐसा आया जब लॉकडाउन के टाइम पे आपने अपने आर्ट चैनल पे आर्ट से रिलेटेड अपने व्लॉग्स कुछ अपलोड करे। आई थिंक अपनी मदर के कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में व्लॉग्स में यही था, आर्ट से रिलेटेड था, आर्ट से रिलेटेड था। और योर टर्निंग पॉइंट वाज जब आपने अपने मदर के कुछ आई थिंक पोर्ट्रेट बनाए थे, कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मदर का आशीर्वाद मिला। हाँ जी, हाँ जी। वो आपकी शुरुआत थी। हाँ जी, प्लस वहाँ पे वो व्लॉग्स आपके वायरल हुए। हाँ जी, फिर वहां से आपको आइडिया आया कि क्या हो अगर मैं और व्लॉग्स बनाऊं, डेली अपनी लाइफ दिखाऊं। हर एक के घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो बस वो दिखाते चले गए। कितना आसान है, देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब मैं बोलता हूँ ना आसान है, तो सक्सेस एक्चुअल में आसान है। हम क्या करते हैं, उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। सोचो इनके पास में दो ऑप्शंस थे, एक ये कि बहुत दिमाग लगाएं कि अब मुझे इतने सारे डिवाइसेस चाहिए, इतने सारे कैमरास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब जा करके मैं वो कर पाऊंगा। नहीं, अपने कैमरा से शुरू किया था, आई थिंक 7-8 हज़ार रुपए के कैमरा से। नहीं नहीं, फोन से। हाँ, 7-8 हज़ार के फोन से स्टार्ट किया था, उससे स्टार्ट किया था। और आज देखो कहाँ पर है, किस लेवल पर है। और कितने टाइम तक आपने फोन से ही वीडियोस बनाई थी? मैंने 1-1.5 साल, मैंने अराउंड 400-500 वीडियोस बनाई फोन से। जब ये ड्राइंग करता था ना, एक टेबल भी नहीं था जी, तो मैं, मेरी सहेली थी वहाँ, उससे टेबल मांग के लाई, और उस पर पैर भी नहीं था उस टेबल पे, तो मैंने नीचे से ईंट लगा के वो टेबल इसके लिए ऊंचा करा हमने, और इसने सारी बुकें रखी फिर इतनी ऊंची, फिर उस पर वो करके इसने ड्राइंग बसी। तो बेसिकली मैं जुगाड़ करता था कि, क्योंकि ओवरहेड चाहिए ना ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैं बुक्स रख के, बुक्स के बीच में लकड़ी फंसा के उसको। बहुत बड़ी बात है, आपको आंसर मिल रहा है आपके इस क्वेश्चन का। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। ज्यादातर लोग जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं, और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए। ये कोई बहुत अमीर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे कि इनके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे हैं कि इनको अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए, या ये करे वो करे, कुछ नहीं। एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जैसे बताया अभी इनकी मदर ने कि टेबल तक नहीं थी, ईंटें लगा लगा करके फिर एक टेबल बनाई, फिर उसके ऊपर बुक्स रखी, फिर वहां पे मोबाइल रखा, बुक्स के बीच में एक लकड़ी फंसाई ऐसे फिर उसकी लकड़ी के ऊपर मोबाइल रखा। इन्होंने क्या किया, इनके पास में जो था रिसोर्सेस उस पर ध्यान दिया, वो नहीं जो नहीं था। चाहते तो ये भी बैठ करके बोल सकते थे, अरे वो देखो वो इतना बड़ा ब्लॉगर है, उनके पास में तो इतने बढ़िया बढ़िया कैमराज हैं, उन्होंने तो इतना कुछ किया हुआ है। उस टाइम पे आई थिंक फ्लाइंग बीस बहुत अच्छा कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो फ्लाइंग बीस का देखो बैकग्राउंड देखो, पायलट भी है, IIT से भी है, और भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, बॉडी बिल्डर भी है, ये वो, पता नहीं कितना कुछ है उनके पास में। तो चाहते तो ये देख करके बोल सकते थे, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना तो पायलट हूँ, ना मैं IIT से हूँ, मैं तो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट हूँ, राइट। हाँ जी, चाहते तो वो ये सब बोल सकते थे, लेकिन जो इनके पास में था इन्होंने कहा वो भी कम नहीं है, मैं वही दिखाता हूँ। तो यू गॉट द आंसर, आपको क्लियर आंसर मिल गया ना? यस सर। कि जो है उसी से शुरू करो, अब बड़ा सोचो, अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। यस सर। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, मेहनत बराबर है। दिन में 24 घंटे ही हैं, या तो आप छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो, वो आपके ऊपर है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर बोथ, एंड सौरव सर आपका मेरे से ये क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स बताना चाहेंगे, लाइक जिससे हम इंस्पायर हो सके। फ्यूचर में मेरा प्लान है ट्रैवल करने का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर करने का, लेकिन अपने वे में, जैसा मैं हूँ वैसे ही, कुछ ज़्यादा हाईफाई वे में नहीं। और बाकी और बिजनेस प्लान्स हैं सर। आपके व्लॉग्स तो हमारा ब्रेकफास्ट रूटीन है, लाइक मेरी फैमिली पूरी आपका, मतलब ब्रेकफास्ट टाइम के टीवी पे पहले आपके व्लॉग्स, फिर हमारी प्लेट लगती है। तो अगर किसी दिन इन्होंने व्लॉग अपलोड नहीं किया तो ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नो 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 सर, नहीं करोगे? नहीं सर, हम तो व्लॉग इनके डेली देखते हैं। नहीं, किसी दिन अगर इनका व्लॉग नहीं आया सर, पुराने व्लॉग्स, अगर कभी इनका व्लॉग नहीं आया या आपने सारे इनके पुराने व्लॉग देख लिए, तो मेरी वीडियो काम आ जाएगी? मतलब सर, आप सर एक्चुअली मैं IIT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड सर लाइक कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो सर आपकी वीडियो देख के तो आग लग जाती है, लाइक आग लगा दो। यस सर, आग लगाओ और पढ़ो। यस सर, डेफिनेटली। ठीक सर, एक बार प्रैक्टिकली एक व्लॉगिंग इनकी देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बस नॉर्मली इस तरह से कैमरा ऑन करके। तो अभी गाइस फाइनली सेशन हो चुका है और यहाँ पे सर हैं। सर कैसा लगा?
गाइस बहुत अच्छा लगा। गाइस यहाँ की जो एनर्जी थी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी, और सर के साथ में बहुत ज़्यादा बहुत मजा आया, बहुत बहुत मतलब और ज़्यादा मोटिवेशन, अब तो मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में सब अचीव कर लिया। और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कोई ब्लॉगर आके यहाँ पे ब्लॉग कर रहा है, पहली बार हो रहा है। हाँ। पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम। आपके लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट क्या है, सरप्राइज है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है इतनी दूर से स्पेशली सेशन के लिए, तो वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल ओकेजन है, हमारी पूरी टीम के लिए। तो आपके लिए गिफ्ट है वो भी बहुत स्पेशल है, ये वैसे तो आपकी पूरी फैमिली के लिए है, हमारी फैमिली की तरफ से, लेकिन इस पे जो कब्जा होगा वो पीयूष का होगा।